Hello everyone, we'll continue with PGVP, and the next section that we need to see is of presumptive taxation. Presumptive taxation ka matlab kya hota hai? Aapki income government presume kar legi. Presume karne ka matlab maan legi. Aapko batani nahi hai aapki income kitni hai. Government kehti hai hum aapki income itni maan leti hai. To jaise hi main ye section ki baat karta hun ki presumptive taxation mein government aapki income ko maan leti hai, तो जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये तो बड़ी हार्डशिप हो गई, ये तो हद कर रही है गवर्नमेंट, इनकम मान ले रही है. तो मैं उनको बताता हूं ये हार्डशिप नहीं है. बेसिकली गवर्नमेंट आपको आजादी दे रही है अकाउंटिंग से, मतलब आपको हिसाब किताब नहीं बनाना, आपको अपनी इनकम बतानी नहीं है, इससे आजादी मिल रही है. और सच पूछिए तो ये एक बहुत बेहतर चीज है, अच्छी चीज है इनकम टैक्स में. जहां पे गवर्नमेंट कहती है आपको कोई हिसाब किताब नहीं बनाना, आपको बताना नहीं आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम इतनी मान ली जाएगी. और सच पूछिए तो गवर्नमेंट जो इनकम मान रही है वो वैसे ही बहुत कम है. मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के हिसाब से इनकम जनरली उससे ज्यादा ही एक इंसान कमा लेता होगा. और फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं भाई हम इनकम कम कमाते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है हम वो भी मानने को तैयार है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लीजिए, सीए से ऑडिट करा लीजिए. लेकिन हाँ भाई अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर जो हम इनकम एज्यूम कर रहे हैं वो आप मानेंगे. क्या ये जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी ले सकता है? नहीं, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ छोटे व्यापारियों को है. मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग ले सकते हैं ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन. बड़े लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, उनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बनाना है, ऑडिट करानी है, और जो प्रॉफिट आएगा वही माना जाएगा. इस प्रिजम्प्टिव सेक्शन में हम लोग तीन सेक्शन सीखेंगे, 44AD, 44ADA एंड 44AE. आइए देखिए क्या है सेक्शन में. मैंने बताया तीन सेक्शन हम लोग सीखेंगे इसमें. सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE. क्या होता है सेक्शन 44AD? 44AD जो है वो बिजनेस के लिए है, मतलब ये सब जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है. लेकिन बिजनेस अदर देन गुड्स कैरियज, ये जो ट्रक वाले होते हैं ना, उनके बिजनेस को छोड़ के बाकी बिजनेस के लिए है. 44ADA किसके लिए? प्रोफेशन के लिए. और 44AE किसके लिए? ये गुड्स कैरियज वालों के लिए है. हो गया सब कवर. 44AD था बिजनेस जो ट्रक वाले उनको छोड़ के, तो 44AE में ट्रक वाले आ गए और 44ADA में प्रोफेशन हो गया सारा. ठीक है, तो ये तीन सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि क्या इनकम मानी जाएगी. जो ट्रक वाले होते हैं ना, गुड्स कैरियज होते हैं, ये तीन तरीके का बिजनेस करते हैं. मैं आपको बताऊं, ये गुड्स कैरियज जो होता है ये तीन तरीके का काम करते हैं. एक होता है प्लाइंग, दूसरा होता है हायरिंग, और तीसरा होता है लीजिंग. समझाऊं तीनों का मतलब. प्लाइंग क्या चीज होती है कि ट्रक वाला अपना ट्रक एक रूट पे चलाता है. जैसे मान लीजिए ये ट्रक वाला क्या करता है, यहां से लेके यहां तक इसकी ट्रक जाएगी और फिर वापस यहां से यहां आ जाएगी. ये इसका सिस्टम है, इसी रूट पे ये चलता है. जिसको जिसको अपना माल लदवाना है और रास्ते में कहीं भी उतरवाना है तो लदवा दो, ये आपसे भाड़ा ले लेगा अकॉर्डिंगली. ये आपकी वजह से कहीं भी दाएं बाएं नहीं ले जाएगा ट्रक, ये कहलाता है प्लाइंग. ठीक है, हायरिंग क्या होता है? हायरिंग वो होता है जिसमें हम ट्रक वाले से कहते हैं कि मेरा पूरा माल भरो तुम, और हम कह रहे हैं यहां ले जाना है तो वो यहां ले जाएगा मेरे लिए. मतलब हमने कहा कि बनारस से दिल्ली माल पहुंचाना है तो मेरा माल ला देगा, बनारस से दिल्ली पहुंचा देगा. ये होगी हायरिंग. ठीक है, प्लाइंग में वो मेरे लिए काम नहीं करता, वो अपने एक रूट पे चलता रहता है. जिसको जिसको माल लादना है लादो रास्ते में, जहां जहां उतारना है वहां वहां उतरेगा. समझ में आ रहा है ना दोनों सिस्टम क्या है? तो कुछ लोग प्लाइंग वाला काम करते हैं ट्रक वाले, कुछ लोग हायरिंग वाला काम करते हैं. तीसरा होता है लीजिंग. लीजिंग क्या होता है?
लीजिंग में ट्रक वाले, जैसे हम ट्रक वाले से कहते हैं कि 3 महीने के लिए ट्रक हमको दे दो, तो 3 महीने के लिए ट्रक हमको दे देता है और हम 3 महीने तक जहां मर्जी वहां ट्रक को ले जाएंगे। 2 महीने के लिए हम ट्रक ले लिए, 1 हफ्ते के लिए हम ट्रक ले लिए। अरे बात समझ में, ये होता है लीजिंग। ट्रक वाला हमसे किराया के फॉर्म में पैसा लेता है बेसिकली। वो कहता है कि अच्छा 1 हफ्ते के लिए चाहिए, तो 1 हफ्ते का इतना होता है। अब कहां ले जाना है, क्या ले जाना है, सब मेरा काम है। अब उसमें डीजल हम भरवाएंगे, ड्राइवर हम बैठाएंगे, हम अपना ले जाएंगे। अच्छा, कुछ ट्रक वाले ना ड्राइवर के साथ लीजिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि सोचिए अगर हम ट्रक ले भी लेंगे ना, तो ड्राइवर एक बड़ी समस्या हो जाएगी कि नहीं। ड्राइवर कहां से लाएंगे हम? तो हम जनरली लीजिंग का कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग ट्रक के ड्राइवर के साथ ट्रक को लीज पे दे देते हैं, ठीक है। और बाकी सब चीज अब जो भी होगा वो मेरा होगा और हम उसको जितने दिन के लिए लिए उतने दिन का पैसा देंगे। अब कहां ले जाएंगे उससे मतलब है क्या उसको? नहीं। अब जहन्नुम में भी ले जाए तो उससे मतलब नहीं है अब, ठीक है। मतलब यहां पे हम उसको जगह भी नहीं बताएंगे। हायरिंग में क्या हो रहा था, हम उसको बोल रहे थे बनारस से दिल्ली माल ले जाना है, तो वो दिल्ली ले जा रहा था। और यहां तो वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। वो कहता था हम इस रूट पे जाते, तुमको भेजना है तो भेजो। यही 3 तरीके का काम होता है ट्रक वालों का। क्यों इतना बताए? ऐसे ही बता दी, मन में आया इसलिए, ठीक है। इनकम टैक्स में तो इनकम निकालनी है हमको ट्रक वाले की। आइए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस इन द केस ऑफ टैक्स पेयर एंगेज्ड इन एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरियज। एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरियज, यानी ट्रक वाले का बिजनेस। अब आप समझ गए होंगे क्यों बताए थे इतना प्लाइंग हायरिंग लीजिंग, क्योंकि यहां पे ये लिखा हुआ है ना, आप उनसे पूछने लग जाते इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, एक्सेप्ट ट्रक वाला बिजनेस। क्या प्रोविजन है देखो, प्रोविजन है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। द एसएससी शुड बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म नॉट बीइंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म। एसएससी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट फर्म, तीनों के लिए बात कर रहा है। रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है। एलएलपी नहीं होनी चाहिए, बस ये इन्हीं को ये बेनिफिट है। 44AD ले सकते हैं ये लोग। एसएससी शुड बी एंगेज इन एनी बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरिज का नहीं होना चाहिए, जो कि 44AE में रेफर्ड है। 44AE में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्रक वालों का, ठीक है। द टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, यानी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है वो 44AD नहीं ले सकता है। समझ में आया बात? समझे कि नहीं समझे? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है क्या वो 44AD ले सकता है? नहीं ले सकता है, ठीक है। अच्छा, जो लोग 44AD लेते हैं उनको फायदा क्या होता है? उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी होती, उनको कोई ऑडिट ऑडिट नहीं करानी होती, यही फायदा होता है। अब आप तुरंत ऑडिट वाले पे जाइए, तुरंत एक क्लैश आएगा दिमाग में। सर, ऑडिट वाले में मैंने पढ़ा था कि 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट करानी होती है। हाँ, अभी भी यही बोल रहे हैं कि 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट करानी होती है, लेकिन अगर आप 44AD ऑप्ट कर लिए तो 2 करोड़ तक नहीं करानी है। ये याद रखिएगा कि जो लोग 44AD ऑप्ट करते हैं, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना, ऑडिट नहीं करानी। बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना, ऑडिट नहीं करानी, ठीक है। तो 44AB जरूर कहता है कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर ऑडिट करानी, यस करानी है 1 करोड़ रुपए के ऊपर ऑडिट, लेकिन अगर 44AD ऑप्ट कर लिए तो नहीं करानी है। एज सिंपल एज दिस। क्योंकि 44AD कहां तक मिलता है? 2 करोड़ तक मिलता है 44AD। यानी एक बात बताइए, आप बिजनेसमैन हो, 1 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है, 1.5 करोड़ रुपए आपका टर्नओवर है, 44AD ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या ऑडिट करानी है? हाँ करानी है। हाँ, एक केस है कि जब 1.5 करोड़ पे भी ऑडिट नहीं करानी है, वो 5 करोड़ वाला प्रोविजन याद है कि 1 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, और 5% से ज्यादा कैश में लेन देन नहीं आपका होता है तो आपको ऑडिट नहीं करानी होती है, था ना? वहां पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। 44AD इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44AA। कह रहा है प्रोफेशन वालों पे लागू नहीं होता है, वो तो मालूम है यार, 44AD ये लागू होता है उस पर, क्या फालतू की बात करते हो। पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, जो लोग कमीशन ब्रोकरेज कमाते हैं उनके ऊपर 44AD नहीं लगता, उनको एक्चुअल इनकम निकालनी होती है, उनके लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन नहीं होता। जो लोग एजेंसी बिजनेस करते हैं उनके लिए ये सब नहीं होता।
अच्छा, अगर आप 44 AD में आ जाते हो तो अब क्या होगा? 44 AD में जो लोग आते हैं उनकी इनकम 8% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट मान ली जाती है, और अगर आप डिजिटल पेमेंट लेते हो तो ग्रॉस रिसिप्ट का 6% आपकी इनकम मान ली जाती है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट का मतलब यहां पे क्या है? डिजिटल मोड का मतलब अदर देन कैश। अगर आप चेक से लेते हो, ठीक है, अगर आप डेबिट कार्ड से लेते हो, क्रेडिट कार्ड से लेते हो, ऑनलाइन लेते हो, ये सब डिजिटल मोड में आएगा, तो 6% टर्नओवर का आपकी इनकम मानी जाएगी। मान लीजिए आपके टर्नओवर में कुछ टर्नओवर कैश भी है और कुछ टर्नओवर डिजिटल है, तो क्या होगा? तो जितना कैश है उसका 8% और जितना डिजिटल पेमेंट लिए हो उसका 6% आपकी इनकम मानी जाएगी। अब एक बात बताइए, 8% 6% ये खुद ही कम है कि नहीं है? जनरली ये सब छोटे व्यापारियों के लिए जो रिटेल बिजनेस करते हैं, रिटेल वाले का मार्जिन कितना होता है मालूम है आपको? जो मेरा आइडिया कहता है कि रिटेल वाले कम से कम भी 10 से 15% कमा लेते हैं। ये बड़ा बिजनेस वाले, होलसेल वाले थोड़ी ना है कि 2% 4% पे धंधा कर रहे हैं, ये सब रिटेल वाले छोटे दुकानदार हैं। ठीक है, 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को मिल रहा है ना, तो इनकी मार्जिन क्या होती होगी? आपका दिमाग क्या कहता है? जो मैं मानता हूं कि इनकी मार्जिन जो होती है वो तकरीबन 10 से 15% मिनिमम होती है रिटेल में। तो सरकार अगर 6 से 8% इनकम मान रही है तो ठीक ही मान रही है, राइट? इसमें भी अगर किसी को आपत्ति है तो गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी ना कि जबरदस्ती कर रही है, कह रही है ठीक है अकाउंट्स बना लो, ऑडिट करा लो, मान लेंगे, जो इनकम कहोगे वो मान लेंगे, तुम कहते हो 1% इनकम है वो मान लेंगे, तुम कहते हो घाटा है वो भी मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप अपनी इनकम ज्यादा दिखाना चाहते हो, आपको क्या लगता है सरकार दिखाने देगी? सरकार ने तो कह दिया कि 8% जितना नगद पेमेंट लियो और 6% जितना डिजिटल पेमेंट लियो ये आपकी इनकम मान लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी इनकम ज्यादा दिखाना चाहते हो तो क्या सरकार मानेगी? अरे ये तो सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मान लेगी, क्यों नहीं मानेगी? उसको तो ज्यादा टैक्स मिल रहा है। अगर आप कहते हो हम 20% कमाते हैं तो सरकार कहेगी नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। अरे कहती है ठीक है भाई 20% कमाते हो तो अच्छी बात है, कम नहीं मानेगी, ज्यादा तो मानेगी ही, हायर दिखा सकते हो। अच्छा, जब आप इस सेक्शन को क्लेम करते हो तो अब आप कोई भी और खर्चा नहीं घटा सकते हो, ये फाइनल इनकम है, याद रखिएगा दिस इज द फाइनल प्रॉफिट। ठीक है, जैसे इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा लें, ये सब सब कुछ नहीं घटता, कोई भी चीज नहीं घटती। जैसे मान लीजिए अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पहले का पड़ा हुआ है तो क्या हम घटा सकते हैं? नहीं, डेप्रिसिएशन पिछले सरकार ने अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये सब कुछ कुछ नहीं घटेगा, और ये सब मान लिया जाएगा कि घट गया है, ये सब मान लिया जाएगा कि घट गया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको तो मालूम ही है कि प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम होता है, 1 लाख रुपए की आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, इस पे 15% डेप्रिसिएशन होता है 15,000 रुपया। ठीक है, क्या आपको मशीन 1 लाख रुपए की है उस पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन होता है 15,000 रुपया, इसको घटाने दिया जाएगा क्या आपको? जो भी आपका 6% या 8% के हिसाब से प्रॉफिट आया है उस पर घटाने दिया जाएगा? मान लीजिए आपका कैश टर्नओवर था कितने का, मान लेते हैं 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, 8% कितना होता है? 8 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख का हो गया 12, 8, 96, 9,60,000 रुपया। तो क्या इस 9,60,000 रुपए के प्रॉफिट से आपको ये डेप्रिसिएशन घटाने को मिलेगा? ये मशीन की वैल्यू है, नहीं, ये घटाने के लिए यहां से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा यहां से घटाने को, ये फाइनल प्रॉफिट है। लेकिन मान लीजिए अगले साल आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो क्या आपको 44 AD अगले साल मिलेगा इसके बाद वाले साल? नहीं। तो अगले साल आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। अगले साल डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा, 1 लाख पे मिलेगा कि 85,000 पे मिलेगा? 85,000 पे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप डेप्रिसिएशन घटाओगे नहीं लेकिन एसेट की WDV कम करते जाना है हर साल, एसेट की WDV कम करते जाना है, क्योंकि कभी ना कभी आप हो सकता है इसमें से निकल जाओ 44 AD से, तो जब 44 AD से निकलोगे तब तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो किस पे मिलेगा? उस दिन की WDV पे मिलेगा आपको, उस दिन की WDV। तो ये घटाते चलना है, ये वाला काम करते चलना है, याद रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए पार्टनरशिप फंड है आप, तो पार्टनरशिप फंड को आपको तो पता ही है कि रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ अलाउ होता है,
बताइए ये 44 AD का जो प्रॉफिट आ गया 6% 8% का, क्या इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन टू पार्टनर, ये सब कुछ घटाया जा सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली सब कुछ हो चुका है ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्म के केस में भी इंटरेस्ट और सैलरी की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, नो डिडक्शन। रिटेन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करते रहना है, WDV बनाते रहना है एसेट की, क्योंकि जब बाहर आओगे 44 AD से ना, तो उस दिन की WDV पे डेप्रिसिएशन मिलेगा इसलिए। अच्छा, आपने PGBP में पढ़ रखा है कि बहुत सारे केसेस में खर्चे डिसअलाउ हो जाते हैं, जैसे कैश पेमेंट कर दिए तो 48(3) में डिसअलाउ हो जाएगा, रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट कर दिए तो डिसअलाउ हो जाएगा, कुछ पेमेंट होती हैं जो अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक नहीं जमा की 43(b) से सब्जेक्टेड होते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाता है। मान लीजिए कुछ कैश पेमेंट वगैरह किए हो, ये सब डिसअलाउंसेस होंगे और आपकी इनकम 6% और 8% जो भी आई है उससे बढ़ा दी जाएगी क्या? कुछ कैश पेमेंट भी किए थे आप? नहीं, एक्चुअली सब कुछ अलाउ हो गया और सब कुछ डिसअलाउ हो गया ये माना जाता है, एक्चुअली ये फाइनल इनकम है, अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। अगर कुछ भी अलाउ होता है नॉर्मली तो वो अलाउड हो चुका है ये मान लिया जाएगा, और नॉर्मली कुछ डिसअलाउ होता है ना तो वो डिसअलाउ भी हो चुका है ये मान लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, एडवांस टैक्स के भी प्रावधान होते हैं, जिनका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा आता है ना, उनको एडवांस बेसिस पे टैक्स ड्यूरिंग द ईयर जमा करना होता है, और एडवांस टैक्स को 4 किस्तें बनती हैं। लेकिन जो लोग 44 AD ऑप्ट करते हैं उनके लिए देखिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है कि NESSC ऑप्टिंग फॉर द अबव स्कीम शैल पे एडवांस टैक्स रिलेटेड टू सच बिजनेस टू 1 इंस्टॉलमेंट ओनली, दैट इज 15th मार्च इंस्टेड ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट। नॉर्मली सभी एसएससी को 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जमा करनी होती है, 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर और 15 मार्च। लेकिन जो लोग 44 AD ऑप्ट करते हैं उनको एक ही बार में पूरा एडवांस टैक्स देना है, वो भी आखिरी किस्त में 15 मार्च वाली। तो अच्छी बात है, जो हम 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर को भी देते थे वो भी नहीं देना है, वो सीधे 15 मार्च को ही देना है, एक ही किस्त देनी है। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा 44AA के तहत। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और बतानी पड़ेगी, अगर आप 2 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर करते हो, ठीक है, तो आप 44AD में आओगे ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तब तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, ऑडिट कराओगे, सब कुछ है। लेकिन एक बात आप भूले नहीं होगे कि 5 करोड़ तक भी ऑडिट नहीं करानी पड़ती है जो लोग डिजिटल पेमेंट लेते हो देते हैं, 5% तक अलाउड है। ठीक है, 5% तक कैश अलाउड है। तो अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है और आप अपनी इनकम 6% या 8% से कम बोल रहे हो, अभी मैंने यही सिखाया ना कि अगर आप 6% या 8% से अपनी इनकम कम बोलोगे तो आपको ऑडिट करानी पड़ जाएगी, बोला है ना, क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन ऑडिट में हमने ये पढ़ा कि जिसका 5 करोड़ रुपए तक भी टर्नओवर होता है और वो डिजिटल पेमेंट लेता और देता है और 5% तक सिर्फ कैश है तो उसको ऑडिट नहीं करानी होती। तो क्या जो लोग 44 AD में 6% या 8% से कम दिखा सकते हो, क्या आप 6% या 8% से कम दिखा सकते हो? हाँ, 6% और 8% से भी कम हम दिखा सकते हैं और ऑडिट भी नहीं कराई नहीं पड़ेगी, वो उनके लिए जो लोग डिजिटल पेमेंट लेते हो देते हैं, क्योंकि वो तो 5 करोड़ तक अलाउड है। आ रही है बात समझ में सबको? फिर से रिपीट करता हूं मैं अपनी बात को, ध्यान से सुनिए। देखिए 44 AD 2 करोड़ तक मिलता है और जिन 44 AD जो लोग ऑप्ट करते हैं ना उनको अपना 6% / 8% अपना प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर वो उनसे कम दिखाएंगे प्रॉफिट ना तो उनको ऑडिट करानी पड़ जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ जाएगा, ऑडिट करानी पड़ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो डिजिटल पेमेंट लेते हो देते हैं तो 2 करोड़ छोड़ो 5 करोड़ रुपए तक उनको ऑडिट नहीं करानी है जो लोग डिजिटल पेमेंट लेते देते हैं। ठीक है, यही समझाना था। ठीक है, क्या आप कम इनकम दिखा सकते हो? तो एक बात तो मैंने पॉइंट नंबर 7 में कम कर ली कि अगर डिजिटल पेमेंट लेने देने वाले हो तो हां दिखा दो कम, कोई नहीं रोकेगा क्योंकि उनको ऑडिट करानी ही नहीं होती है डिजिटल पेमेंट लेने देने वालों को। अच्छा, अगर डिजिटल पेमेंट नहीं लेते देते हो फिर भी कम इनकम दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हो? हां दिखा दो, बुक्स ऑफ अकाउंट बना लो, ऑडिट करा लो, ये हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट बना लो, ऑडिट करा लो, कर लो, कम इनकम दिखा लो।
क्लियर हो गया ये सेक्शन। अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 44 एडीए। 44 एडीए किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए है। कौन से प्रोफेशनल? इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट होने चाहिए, उन्हीं के लिए है। किस प्रोफेशन के लिए? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, एनी अदर प्रोफेशन नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। एक्चुअली ये वही सब प्रोफेशन है जिनको हमने एक दिन स्पेसिफाइड प्रोफेशन बताया था आपको, बड़े प्रोफेशन, इन्हीं के लिए सेक्शन 44 एडीए आया है। और सरकार कहती है कि ये उनके लिए जिनकी रिसिप 50 लाख तक ही है, क्योंकि जो लोग 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, ऑडिट कराना है, वो तो ऑडिट के दायरे में चले जाएंगे, 50 लाख तक वालों के लिए है। ठीक है। बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 एडीए विल नॉट बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर इफ द एसएससी डज नॉट क्लेम द सेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17। अब अगर आप 16-17 में, देखिए ये 16-17 में ही एडीए आया था, मैं आपको बताऊं, ये 16-17 में एडीए आया था। अगर आपने 16-17 में एडीए आया और आपने ऑप्ट नहीं किया था तो 5 साल तक आपको मना किया गया है कि आप ऑप्ट नहीं कर सकते, आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, ऑडिट कराइए। समझ में आया बात? ये 16-17 में आया था और 16-17 में कहा गया था कि 5 साल तक आपको ऑप्ट नहीं करना है अगर आप अभी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, इतनी ऑप्ट करेंगे तभी आप आगे भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या सरकार बाउंडेशन लगा रही थी 16-17 में आया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं क्या है, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि अगर हम आपको कोई चीज देंगे तो आप कहोगे नहीं देंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि नहीं ये चीज आपको नहीं मिलेगा तो आपके मन में आएगा अरे ये तो पाना है, होता है ये नेचर, समझ रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं पंगा क्या था, आपको मजा आ जाएगा सुनके। गवर्नमेंट 16-17 में ये बोली कि प्रोफेशनल्स तुमको हम 44 एडीए देते हैं, ठीक है, 44 एडीए में तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बनाना नहीं है, ऑडिट करानी नहीं है, तुम्हारा जितना पैसा आता है उसकी आधी इनकम मानी जाएगी, जितना पैसा आता है उसका आधा इनकम माना जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली ये डॉक्टर्स करते क्या है, डॉक्टर्स वगैरह की बात बताते हैं, सब दिखाते हैं कि हमको साल भर में आया है 1 करोड़ रुपए, इनकम कितनी है 5 लाख रुपया, हाँ दिखाते, खर्चा हो गया सब ऑफिस स्टाफ में इसमें उसमें सब खर्चा हो गया, 1 करोड़ रुपया आया था, 5 लाख रुपए बचा है, 4% 5% प्रॉफिट दिखाते हैं ये। सरकार कह रही है कितना प्रॉफिट होता है तुम्हारा, 50% प्रॉफिट होता है, और ये एक्चुअल में होता भी इतना ही है। कितना तुम डॉक्टर के यहाँ स्टाफ देखते हो, जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं 1-2 आदमी बैठाए रहते हैं बस, ठीक है ना, उनको यहाँ तो कोई बैठाने की जगह, कोई क्लाइंट की तरफ थोड़ी ना डील करते हैं, जैसे तैसे बुलाएंगे सुनेगा तो आना, तुमको खुद कान लगा के गेट पे खड़े रहना है, नहीं तो गया तुम्हारा नंबर। ठीक है, कौन सा प्रॉपर मैनेजमेंट से बैठते हैं बहुत सारे डॉक्टर, कमा रहे हैं लाखों रुपया, तो 50% प्रॉफिट होता है, ये गवर्नमेंट ठीक कह रही है वैसे तो, प्रोफेशनल के केस में सभी में होता है। अब जैसे ये बात आई कि 50% प्रॉफिट माना जाएगा, बेसिकली मार्केट में ये बात अपने आप फैल गई कि कोई नहीं मानेगा इसको, हम लोग ये सब सेक्शन ऑप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं ये बात डॉक्टर साहब को और इन सबको समझा कौन रहा है, सीए साहब समझा रहे हैं। क्यों सीए साहब समझा रहे हैं 50% प्रॉफिट मत मानो, क्योंकि अगर वो 50% प्रॉफिट मान लेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाएगा, ऑडिट नहीं कराएगा, तो सीए को पैसा किस बात का मिलेगा? तो सीए साहब कह रहे हैं प्रॉफिट दिखाओ 50% से कम, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, ऑडिट करेंगे, पैसा मिलेगा हमको, समझ लो चालबाजी मार्केट की। तो मार्केट में हर जगह फैल गया कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, ऑडिट करानी है, 44 एडीए ऑप्ट नहीं करना है। सरकार ने अब अपना पत्ता खोला, कहा अगर तुम ऑप्ट नहीं करोगे ना इस साल तो 5 साल तक ऑप्ट नहीं करने देंगे। लोग परेशान हो गए कि भैया कुछ जरूरी बात है लग रहा, अच्छी बात है, सरकार देगी नहीं 5 साल तक, अब तो ले लो लपक लो, नहीं तो 5 साल तक नहीं मिलेगा। समझ में आया? लोग इधर कह रहे थे हम लेंगे नहीं, सरकार कहीं मत लो, सरकार कह रही है, खुद कह रही है मत लो, 5 साल तक नहीं देंगे तुमको। ये होता है नहले पे दहला गेम खेल रही थी गवर्नमेंट, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से 44 एडीए ऑप्ट कर लिए, एडीए ऑप्ट कर लिए। आया आनंद सुन के ये कहानी? तो ये कहानी हुई थी उस समय, और इसमें भी वही बात है कि एडवांस टैक्स की जो लाइबिलिटी है ना वो 1 किस्त में देनी होगी 15 मार्च को। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो 50% आपकी इनकम मानी जाएगी, ज्यादा इनकम आप दिखा सकते हो, सारे खर्चे मान लिए जाएंगे कि आपने घटा लिए हैं। ठीक है। सैलरी और इंटरेस्ट टू पार्टनर भी नहीं मिलेगा,
डेप्रिसिएशन आपको घटाने को नहीं मिलेगा, लेकिन WDV मेंटेन करते रहो, क्योंकि जब भी 44 ADA से बाहर निकलोगे तो उस दिन की WDV पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। कोई भी डिसअलाउंस नहीं किया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि सारा डिसअलाउंस भी हो चुका है। अगर आप कोई कैश पेमेंट वगैरह भी बिजनेस में किए हो ना, तो कुछ डिसअलाउ नहीं होगा, आपकी इनकम फ्लैट जो 50% है वो फाइनल इनकम है। एडवांस टैक्स देना है, ये तो मालूम ही है, ऊपर पढ़ लिया है कि एक इंस्टॉलमेंट में देना है, ठीक है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना है, ठीक है। अब बाकी जितने भी प्रोविजन है सब ऊपर की तरह है। अब बाकी क्या प्रोविजन बच गया, बाकी क्या बच गया, बाकी साहब ये बच गया, ठीक है। 5 करोड़ वाली बात प्रोफेशन के लिए नहीं होती, ये याद रखना, 5 करोड़ वाली बात सिर्फ बिजनेस के लिए होती है, ठीक है ना। अब बाकी क्या बच गया कि अगर आप लोअर इनकम दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, ऑडिट करानी पड़ेगी। आइए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का आखिरी सेक्शन, सेक्शन 44AE, ये है ट्रक वालों के लिए, ठीक है। सरकार कहती है कि तुम्हारे पास जितनी ट्रक है उसके हिसाब से तुम्हारी इनकम मान लेते हैं, काम खत्म, ठीक है। लेकिन क्या ये सभी ट्रक वालों के लिए, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए भी जिनके पास हजार हजार ट्रक है? नहीं, ये छोटे ट्रक वालों के लिए जिनके पास मैक्सिमम 10 ट्रक है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। साल में कभी भी 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक थी तो यह फैसिलिटी आपको 44AE का नहीं मिलेगा। मान लीजिए साल के पहले दिन 1 अप्रैल को मेरे पास 10 ट्रक थी, एक ट्रक इसमें से खराब हो गई है, तो मैंने 2 अप्रैल को एक ट्रक खरीद ली प्लस 1 ट्रक कर लिया, और फिर 3 अप्रैल को जो ट्रक खराब थी ना वो वाली ट्रक माइनस कर दिया, बेच दिया मतलब, तो वापस से मेरे पास 10 ट्रक हो गई। क्या मुझे 44AE मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 तारीख को आपके पास 11 ट्रक थी, भले 3 तारीख को वापस 10 हो गई, 2 तारीख को तो 11 ट्रक थी ना। किसी भी समय 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुने। यानी अगर एक ट्रक खराब हो गई थी, तुम्हारे पास 10 ट्रक है, एक ट्रक खराब हो गई तो पहले बेचो फिर नई ट्रक खरीदना, ये तो पहले खरीद लिए तो 11 हो जाएगी ना। मान लो फिर उसके बाद तुरंत 10 घंटे बाद बेच भी दिए तो फर्क नहीं पड़ता है, 11 ट्रक हो चुका है। कभी भी अगर 10 ट्रक से ज्यादा हुई तो तुमको नहीं मिलेगा ना 44AE, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे पढ़ो। सेक्शन 44AE इज एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, टैक्स पेयर मे बी एनी SEC। अच्छा, सबसे खास बात कि 44AD और ADA इंडिविजुअल, HUF और फर्म को मिल रहा था रेजिडेंट, लेकिन ये किसी को भी मिल जाएगा, ठीक है, कंपनी भी हो सकती है उसको भी मिल जाएगा। धंधा क्या होना चाहिए उसका? प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियज का। तो हम तो यही बताएं कि ट्रक वाले यही 3 काम करते ही हैं, ठीक है, प्लाइंग करते हैं, हायरिंग करते हैं या लीजिंग करते हैं, ठीक है। टैक्स पेयर ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरियज, उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होनी चाहिए एट एनी टाइम, कभी भी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा, अब ये 10 ट्रक का मतलब क्या है? ये 10 ट्रक कैसे भी आपके पास है, चाहे आप उसको खरीद के लाए हो, चाहे आप उसको किराए पे लाए हो, चाहे हायर परचेज पे लाए हो, चाहे लीज पे लाए हो, कैसे भी लाए हो, आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए आपके आपने 10 ट्रक 8 ट्रक खरीद रखी हो, 4 ट्रक किराए पे लिए हो, तो भी तो आप बड़े हो गए ना, धंधा तो आपका ज्यादा है ना। तो चाहे आप कैसे भी लिए हो, 10 ट्रक टोटल होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 ट्रक के हम मालिक हैं, हम खरीद के 10 ट्रक लाए तभी 10 ट्रक गिना जाएगा, नहीं। कैसे भी अगर आप 10 ट्रक से ज्यादा ऑपरेट करते हो, चाहे किराए पे लाए हो, चाहे खरीद के लाए हो, सब मिला के देखेंगे, ठीक है। अब इनकम क्या मानी जाती है, आइए देखिए। ग्रॉस व्हीकल वेट नॉट मोर देन 12 मेट्रिक टन, अगर ट्रक का वेट 12 मेट्रिक टन तक है, नॉट मोर देन 12 मेट्रिक टन, यानी 12 मेट्रिक टन तक का अगर ट्रक है, तो एक ट्रक की एक महीने की इनकम 7500 रुपए मानी जाएगी। मतलब समझ में आया कि अगर 12 मेट्रिक टन तक की ट्रक है आपके पास, तो एक ट्रक का एक महीने में आप 7500 रुपए कमा लेते हो, ये सरकार मान लेगी। अब आपकी ट्रक खड़ी थी, चाहे आप 50 लाख रुपया कमाते हो उस ट्रक से एक महीने में, समझ में आ गया सिस्टम? आपकी खड़ी थी ट्रक, आपने कुछ चलाया भी नहीं, कोरोना टाइम में खड़ी थी ट्रक लोगों की, हाँ खड़ी थी, मतलब वैसे बहुतों की नहीं भी खड़ी थी, क्योंकि फल सब्जी ये सब तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहा था, लेकिन मान लो आपकी ट्रक खड़ी थी तो भी आपकी इनकम 7500 मानी जाएगी, हाँ मानी जाएगी,
इसमें अब इससे मतलब नहीं है कि खड़ी थी चली थी, क्योंकि यही तो अगर खड़ी थी और चली थी ये सब बता सकते हो तब तो हिसाब किताब बना ही सकते हो तुम। तुम यही ना कह रहे थे कि हम कहां बना पाएंगे साहब, ये सब मेरे बस का बात नहीं है, तभी तो सरकार तुमको कह रही है कि हम इतना मान रहे हैं। अब तुम अब जब समझाने लग जाओगे कि मेरी ट्रक तो उस समय खड़ी थी, तो सरकार कहेगी तुम तो बड़े तेज आदमी हो, फिर तब चलो बनाओ ही सब, फिर काहे परेशान हो रहे हो कि तुमको इतना मालूम है कि कब खड़ी थी कब चली थी कितना कमाई थी कितना आया था, तो फिर बनाओ ना फिर स्टेटमेंट, फिर जो एक्चुअल है उस पर बात करेंगे। अभी एक बात बताइए, 7500 रुपया महीना एक ट्रक से कमाया जाता है, एक ट्रक की लागत कितनी होती है आइडिया है आपको? 10 लाख रुपया लगा के कोई 7500 रुपया महीना भी नहीं कमाता होगा, आप मानने को तैयार हो? इससे तो ज्यादा कमाता होगा ना, सरकार तो खुद ही कम मान रही है। अब क्या झंझट करना पड़ा है इसमें, है कि नहीं? दूसरा देखिए, अगर बड़ी ट्रक है आपके पास, व्हीकल वेट मोर देन 12 मेट्रिक टन का है, तब सरकार कह रही है 1000 पर मेट्रिक टन मानेंगे हम। जैसे अगर 18 मेट्रिक टन की अगर होगी ना आपकी गाड़ी, ठीक है, तो हम मानेंगे उसका इनकम 18000 रुपया। समझाऊं इस बात को? फिर मान लीजिए मेरे पास 12 मेट्रिक टन की ट्रक है, तब तो आपकी इनकम 7500 रुपया महीना मानी जाएगी। अगर आपके पास एक 13 मेट्रिक टन की ट्रक है, तो फिर आपकी इनकम जो मानी जाएगी वो 13000 रुपया पर मंथ मानी जाएगी। समझे, 12 मेट्रिक टन से ज्यादा की होगी ना तो 1000 पर मेट्रिक टन मानी जाएगी। और जैसे 8 मेट्रिक टन की ट्रक है तो 7500 रुपया, मतलब समझे 12 मेट्रिक टन तक 7500 रुपया, उससे ऊपर है तो 1000 पर मेट्रिक टन। जैसे 20 मेट्रिक टन की ट्रक है तो 20000 रुपया महीना। अब कोई छोटी ट्रक होगी कोई बड़ी ट्रक होगी तो वैसे ही इनकम निकाल देंगे हम आपकी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग हमसे ये भी पूछेंगे कि सर अगर मान लीजिए 18.4 मेट्रिक टन की ट्रक है तब, तो राउंड ऑफ कर दो, 18 बोल दो इसको, ठीक है, 0.5 से ज्यादा है तो आगे बढ़ा देना नहीं तो पीछे कर लो। 18.4 मेट्रिक टन है तो 18 मेट्रिक टन रखेंगे इसको, 18 और इस पे 18000 रुपया महीना होगा। मान लीजिए 18.8 है मेट्रिक टन है तो इसका 19000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और ट्रक अगर आपके पास है तो वो खड़ी भी थी तो भी इनकम जोड़ा जाएगा, ये जान लीजिए आप। ठीक है, इनकम फॉर द एफोर्सेड बिजनेस शैल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द गुड्स कैरियज इज ओन्ड बाई द टैक्स पेयर, एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक ट्रक आपने खरीदी 28 मई को, 28 मई 2020 को, तो प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम कितनी होगी इस ट्रक से? 28 मई 2020 को आपने परचेज किया है 9 मेट्रिक टन की ट्रक, कितनी इनकम होगी? तो 9 मेट्रिक का है तो 7500 रुपया महीना होगा। ठीक है, क्या महीने, अप्रैल में तो ट्रक थी नहीं, मई में आई है ट्रक, मई गिनेंगे, मई में तो 3 ही दिन थी बस ट्रक, हाँ तो भी गिनेंगे, 11 महीने का हो जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी ये महीना गिना जाएगा। अच्छा, अगर हम ट्रक को चलाए हैं 4 जून से तब, तो भी 28 मई से लेना है और मई महीना को गिनेंगे पूरा, 11 महीने का इनकम आएगी। ठीक है, ऑल अदर प्रोविजन सिमिलर टू 44AD, बाकी 44AD जैसा है, यानी लोअर इनकम आप दिखा सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ। ठीक, उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट अगेंस्ट फॉर नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के लिए भी कुछ वैसे ही प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है, दिस इज प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बस छोटा सा चार्ट एक दे दिए आपकी नॉलेज के लिए, कि जो लोग शिपिंग बिजनेस करते हैं नॉन रेजिडेंट ना, उनकी इनकम 7.5% मानी जाती है। ठीक है, मिनरल ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं जो लोग नॉन रेजिडेंट, उनकी इनकम 10% मानी जाती है। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन का जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम 5%। ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन प्लांट मशीनरी इरेक्शन का और टर्नकी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के लिए बनाते हैं तो उनकी 10% इनकम मानी जाती है, इग्नोर भी कर सकते हैं आप चाहें तो, नॉन रेजिडेंट वाला नहीं आता है। नाउ परमिसेबल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है? तो चलिए ये बात बता दें आपको, ये कहां पे दिया हुआ है? आईसीडीएस में। सुना है कभी आपने नाम आईसीडीएस? इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। जिस तरीके से अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही इनकम टैक्स में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपको कभी मैं ये बताता नहीं हूं, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है इनकम कंप्यूटेशन, लेकिन जहां जहां इसका रेफरेंस होता है ना, वहां वहां पढ़ लेते हो इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ये इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये कहता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर ऑन ग्लोबल मेथड या फिर इंडिविजुअल मेथड। ग्लोबल मेथड या फिर इंडिविजुअल मेथड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये कराते हैं आपको। मान लीजिए मेरे पास आइटम है ए बी सी डी और ई, ठीक है, इसका कॉस्ट और एनआरवी हम दे दे रहे हैं। कॉस्ट है 50, 60, 32, 18, 56, 64, 30, 20, 90, ठीक है, जब जोड़ लगाएंगे पचास प्लस साठ प्लस बत्तीस प्लस अट्ठारह प्लस 56, 216, ये क्या है 46 प्लस 64 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 90, 250। इनकम टैक्स में कैसे निकालते हो इन्वेंटरी की वैल्यू? कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 216 हो जाता है? नहीं, पता है इनकम टैक्स में कैसे निकालते हो आप? वहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ऑन आइटम बाई आइटम बेसिस, पढ़ लेना अच्छे से, AS2, आइटम बाई आइटम बेसिस। तो इन दोनों का लोअर ना अलग अलग निकालते हो, कॉस्ट और एनआरवी। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं अभी, आइटम बाई आइटम बेसिस, इन दोनों में से अलग अलग इंडिविजुअली कौन लोअर है? 46, यहां 60 लोअर है, यहां 30 लोअर है, यहां 18 लोअर है, यहां 56 लोअर है। टोटल मारिए 46 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 56, 210 आ रहा है, 210। तो इनकम टैक्स में 210 इनकम, अरे अकाउंटिंग में स्टॉक वैल्यू कितनी आएगी? 210 रुपए आएगी, ठीक है। इनकम टैक्स कहता है कि दो दो ऑप्शन है, कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर, आप ले सकते हो ग्लोबल बेसिस, ठीक है। ग्लोबल बेसिस का मतलब होता है टोटल बेसिस, ग्लोबल मेथड का मतलब होता है टोटल पे ले लो, कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर ही लेना है, लेकिन टोटल पे ले लो। तो टोटल 216, 250 कौन सा लोअर है? 216, ये ले लो। या फिर इंडिविजुअल मेथड भी लगा सकते हो, इंडिविजुअल मेथड क्या होता है? आइटम बाय आइटम बेसिस, ये भी ले सकते हो, विच एवर लोअर, 210 भी ले सकते हो। लेकिन जो भी लोग ये ग्लोबल या फिर इंडिविजुअल, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, मतलब दोनों में से जो भी आपने सेलेक्ट किया, वॉट एवर इज ऑप्टेड इज अप्लाइड कंसिस्टेंटली, हमेशा वही अप्लाई करो, ठीक है। मतलब एक बार ग्लोबल एक बार इंडिविजुअल नहीं लेना है, कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर लेवल, ग्लोबल और इंडिविजुअल दोनों अलाउड है। अकाउंटिंग में ऐसा अलाउड नहीं है, AS2 के हिसाब से सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस ही अलाउड होता है, ये याद रखिएगा। अकाउंटिंग में इनकम वैल्यू हमेशा 210 आएगी, इनकम टैक्स में आप जो चाहे जो ले लो, 216 भी ले सकते हो मतलब टोटल में से लोअर, और या तो इंडिविजुअल वाला लोअर ये ले सकते हो, लेकिन जो ले लिए हर साल फिर वही लगाना है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एंड विद दिस यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट यू हैव कंप्लीटेड अ वेरी बिग चैप्टर, बल्की चैप्टर, मॉन्स्टर चैप्टर, ठीक है, दैट इज PGBP। विल स्टॉप हियर।